जय माता दी। पंचमो अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंद मुन के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का विनाश होना, ये सब हम इस पंचम अध्याय में पढ़ेंगे। ओम इस उत्तर चरित के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अनुच्छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, ब्राह्मी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन माँ सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोक का राज और व्यक्ति भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। इन दोनों मान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, माँ देवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत्सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी एवं शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्पारा, सारा, सारुकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्रकार में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुदा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको भी नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शांति रूप से यानी क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में है स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठाती देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अविष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। और धन दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुम्भ निशुम्भ के व्रत चंड मुंड वहाँ आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुम्भ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु इन तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत यह पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किजलकिनी नामक की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रंदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रथ आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपके पास एकत्र कर लिए गए हैं। फिर भी यह जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुम्भ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वरूप से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वह सुनो। संपूर्ण त्रिलोक ही मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों का मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है।
क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रव प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, उसके उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास है वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चले आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंग की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव में मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो संग्राम में जीत लेगा मुझे, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें। इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो पाते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़ कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम बताओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर भी वे उचित जान पड़े सो करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी।